आजकल मैं बहुत बिजी रहती हूँ। अभी हो रहे हैं रात के 12:10 और मैं कर रही हूँ कल की तैयारी, क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है डेकोरेशन पे और कल पीयूष के घर पे है सुंदरकांड का पाठ, तो सुबह कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो रहेगा। फिर उससे पहले मैं डेकोरेशन पे जाके आऊँगी बिकॉज वहाँ पे भी वर्कलोड है तो इतना तो बनता है लाइक कि मतलब मैं वहाँ पे जाऊँ काम वगैरह करवाऊँ। तो वो सब देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना अभी तैयारी करके मैं रखूँ ताकि सुबह जल्दी चली जाऊँगी मैं होटल में, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह दूंगी, वापस आके फिर वहाँ चली जाऊँगी मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आफ्टर दैट सुंदरकांड का पार्ट भी रहेगा, खाना वगैरह है तो वहाँ पे काम वगैरह काफ़ी कुछ रहेगा, तो वो सब कुछ भी करना है। तो आप लोगों को एक बार मैं जहाँ पे हूँ अभी जिस एरिया में हूँ हमारे घर के, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे फैला रखा है। और मेरी मम्मी जस्ट अभी आए मेरा चार्जर और हल्दी वाला दूध लेके। सो ये देखिए एक नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे बेड का कुछ इस तरीके से है। अगर फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे भी ये सब कुछ है। और बाकी जो बैग है ना उसको आज इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर, इसको पूरा मैंने कस्टमाइज, मेरी मम्मा ने इसको जमाया, कहा कि तुम ऐसा बैग लेके जाती हो पूरा का पूरा। और जो भी फालतू का सामान था जो इतने टाइम से मेरे पास था तो वो सब कुछ भी उन्होंने अलग से निकाल के रखा, वो सारी चीज़ें। और ये मेरी मम्मी बना के लेके आए हैं हल्दी वाला दूध, तो बस अभी दूध वूध पियेंगे। और ये देखिए मेरे बैग में से क्या निकला, मस्कारा, जिसमें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये सब मतलब एक ज़माना था, मैं आपको बेसिकली ना एक टाइम था जब मतलब मैं घर से बाहर निकलती थी तो फुल यू नो आईलाइनर होता था, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा वो आई शेडो, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, हेयर स्टाइल, हेयर डू, ऐसा वैसा, प्रॉपर नेल पेंट रहता था। अब तो पता नहीं, आई थिंक सो लास्ट ब्लॉग में आपने मेरे बर्थडे पे देखा होगा ऐसा कुछ। तो ऐसे प्रॉपर रेडी होके टिप टॉप होके निकलती थी मैं और बड़ा स्टाइल में रहती थी। मतलब मेरे कपड़े रिपीट नहीं होते थे, मैं उस टाइप में थी कि मतलब डेली मेरे जो कपड़े होते थे वो मैं रिपीट नहीं करती थी। बेस मतलब जींस हो जाती थी पर टॉप वगैरह बिल्कुल रिपीट नहीं करती थी। और अब टाइम ही नहीं होता है और अब मुझे वैल्यू भी समझ में आती है कि ठीक है रिपीट कर लो, गुड है, अच्छा लगता है। क्योंकि अब पहले क्या ना, पहले अलग गणिता थी, अब अलग गणिता है। सो बस यही सारी चीज़ें। और कल आप लोगों को लेके चलूँगी मैं अपने साथ में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, बड़ा ब्लॉग रहेगा, मज़ा आएगा आपको। एंड जैसे मैं बना पा रही हूँ आप लोगों को, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। मॉर्निंग स्टार्ट हो गया, मैं आ चुकी हूँ फूल मंडी में, बिकॉज फूल लेना मैं भूल गई थी अजमेर से, तो मैंने सोचा चलो ठीक है बहुत कम फूल लेने हैं अभी, लेकिन ठीक है यहाँ से ले लेते हैं। और फाइनली मैं मेरी डेस्टिनेशन पर आ चुकी हूँ एंड बस अभी देखती हूँ, अच्छा आगे है थोड़ा सा मे भी, और हमारी डेस्टिनेशन बस कार पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर। सो इट्स अ टैंड प्रॉपर्टी, लेट्स गो। सो आज का जो रूम है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ पे बलून्स वगैरह ब्लो कर चुकी हूँ मैं, बाहर इतना सुंदर मौसम हो रहा है, ओपन नहीं होता है शायद, आई थॉट यहाँ पे विंडो था इसलिए। सो बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बारिश हो रही है, इतना सुंदर मौसम हो रहा है बाहर का, बहुत ही प्यारा। सो अभी बस जल्दी से काम करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स रख दिए थे जो मैं लेके आई थी और सब कुछ ऑलमोस्ट मतलब यू नो मैंने खड़ा कर दिया, टेंट वैन वगैरह ये रात को मैंने ब्लो कर ही लिए थे, आप लोगों को मैंने दिखाए थे। सो बस अभी स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली ये मेरा टी ब्रेक है बिकॉज अभी अभी मेरे लिए चाय आई है, तो चाय पीते हैं और काफ़ी काम हो गया। आप लोगों को दिखाती हूँ, एक लुक देती हूँ, चाय को रखती हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली कर्टन्स वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट काम रेडी हो चुका है। सो बाहर का जो मौसम है वो बहुत प्यारा हो रहा है। चलिए आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ डेकोरेशन का। और अब फाइनली ठंडी ठंडी हवा लगी है, आपको लगता होगा कितने अच्छे होटल में आती हैं ठंडी ठंडी हवा लेती होगी एसी की, पर एसी बंद करना होता है नहीं तो बैलून्स जो होते हैं ना वो उड़ने लग जाते हैं। तो एंट्री जो है ना हमारा फुल ऑन रोज़ पेटल से, बहुत ही प्यारा सा, और ये अभी जैसे ही अंधेरा होगा ना और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए हमने दे दिया है टेंट, तो सो इट्स अ थर्ड मंथ एनिवर्सरी, कितना क्यूटी सा है। सो यहाँ पे हमने लिखा है मंथ एंड यहाँ पे हमने दिया है 3, जो इतना प्यारा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी वेरी क्यूटी। और यहाँ से पूरा वॉक करते हुए, सो रोज़ कारपेट विथ टेंट डेकोरेशन, और इसी के साथ में फिर आता है थोड़ा सा बेड के ऊपर डेकोरेशन, क्योंकि रूम को कंबाइन करना होता है। तो बेड के ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी का फॉइल बैलून में 3 कलर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे हमने टैग दिया है हमारे फायरलाइट इवेंट्स का, कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। सो ऐसा है एंड ये रहा हमारा बैग, अब बस यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर मैंने ना बिल्कुल फ्लावर्स जो दिए ना वो बिल्कुल साबुत ही दिए हैं, मतलब इनको मैंने वो नहीं किया बिकॉज़ ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, सी
मिरर के अंदर पूरा विजिबल हो रहा है डेकोरेशन जो है. एंड बस हो चुका है डेकोरेशन फाइनली, डिन चेक. सो फाइनली डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इतनी स्वेटिंग हो रही है, मेरे जो हेयर हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, मेरा खुद का हालत ख़राब हो गया है. अब बस यहाँ से निकलूँगी मैं. सो लेट्स गो. सो आज मैंने और दादी जी ने करी है ट्यूनिंग. आप लोगों को दादी जी से मिलवाती हूँ. कितने प्यारे लग रहे हैं दादी जी. और ये हैं दादी जी के डॉगर. नमस्ते कर दो हमारी यूट्यूब फैमिली को. बोलिए सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल. सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को जी. तो जय श्री कृष्णा भी कह रहे हैं. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा. थोड़ी सी भूख लग गई थी तो मैंने सोचा पहले कुछ खाते पीते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से. ये देखिए मेरी प्यारी बहना क्या कर रही है. मेरी बहना बहुत ज़्यादा बिजी है अपने मोबाइल में. सो अभी मैं आई हूँ लाइफ इज टी के यहाँ पे. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर. सो आज मैं मोहितो ट्राई कर रही हूँ. और ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी लाइफ इज टी पे आते हैं तो टी ट्राई करें, मोहितो बिल्कुल ट्राई ना करें. इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. मैं जा रही हूँ पास्ता ट्राई करने के लिए और उसका रिव्यू आपको चेक कर. सो पास्ता जो है वो काफ़ी अच्छा है. टेस्ट बहुत अच्छा पास्ता का. तो मोहितो तो ठीक था पर पास्ता अमेजिंग. तो आप लोगों को अब आना चाहिए यहाँ पे. सो फाइनली किशनगढ़ मार्बल लेने के लिए जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, रेडी टू गो है. बाहर मेरा एक पार्सल आ चुका है, वो पिक कर लेती हूँ मैं. एंड काम चल रहा है तो वो दीदी को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो यहीं पे रुकेंगी कि आपको कैसे सबसे डील करना है, क्या क्या है, किसको क्या ज़रूरत होगी तो कहाँ से क्या देना है. बिकॉज काफ़ी सारे जने काम कर रहे हैं, वो अकेले यहाँ पे रहेंगे क्योंकि कोई का रहना भी ज़रूरी है. तो मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं. सो लेट्स गो. और ये देखिए घर का जो हालात है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है. आप सोचिए यहाँ पे हम कहाँ बैठते होंगे, कहाँ उठते होंगे. पूरी टाइल्स यहाँ पे है, यहीं पे सारे सीमेंट वीमेंट के पैरिस वगैरह के हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कलर रखा हुआ है. तो ये वाला एरिया तो फुल ऑक्यूपाइड है. और बाकी आप लोगों को पीछे दिखाते हैं. और ये पीछे देखिए सब लोग अपना काम कर रहे हैं, काम चल रहा है. एंड नाउ यहाँ पे देखिए पाइप्स रखे हुए हैं, उधर फिर से पाइप है, इधर देखिए यहाँ पे सीमेंट है. फिर उसके बाद यहाँ पे किचन है ना, पूरा घर इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है. बहुत मुश्किल हो रहा है रहने में. तो ठीक है अभी चलते हैं, जल्दी से काम कंप्लीट होगा फिर सुंदर सुंदर हो जाएगा. सो फाइनली किशनगढ़ जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ. मैंने अपनी जो कार की कीज़ है वो भी ले ली है. एंड बाकी काम चल रहा है घर पे. एक पेंटर भैया ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी सब जो है वो पीछे काम कर रहे हैं. आज हो रहा है आई थिंक सो जो RCC लगाई थी उसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो निकाले जा रहे हैं. एंड दीदी को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, दीदी यहीं रुकेंगी क्योंकि कोई रहना चाहिए, इनको काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो चाहिए होती हैं तो उसके लिए. एंड मैं और मम्मी जा रहे हैं. तो मैंने सबसे पहले आज डायरी लिया. मैं ना इतनी भुलक्कड़ हूँ, मैं बार बार कार की चाबी या फिर कुछ रख के भूल जाती हूँ. दो तीन बार सामान लेने गई, डायरी नहीं लिखी गई क्योंकि उसके अंदर साइज़ वगैरह लिखा हुआ रहता है. पर लेकिन इस बार मैंने ना सबसे पहले डायरी ली है. सो लेट्स गो, आपको लेके चलती हूँ किशनगढ़. और सामान के साथ हमारी चुलबुली भी आजकल यहीं पर रहती है. किशनगढ़ पहुँच चुकी हूँ और बेसिकली मैं आ चुकी हूँ अभी मखाना चढ़ाए हैं यहाँ पे. अच्छा बिकॉज मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे मुकेश भैया का. उन्होंने मुझे बोला था कि करीना तुम बस आ जाना क्योंकि मेरे मामा जी का खुद का गोडाउन है, उनका खुद का मार्बल निकलता भी है. खुद का मतलब इन सेंस की मार्बल का खान है, मार्बल की खान है. तो मैं बस आ चुकी हूँ. ऐसी कॉस्टिंग वास्टिंग का हमें कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है. मेनली हम आए हैं मार्बल पसंद करने के लिए. तो बस पसंद करेंगे, लोडिंग करवाएंगे और वापस अजमेर निकल जाएंगे. मम्मी आई हैं तो मम्मी अपने भाई से भी मिल लेंगी तो इस वजह से. और यहाँ से ये देखिए इतने सारे ट्रक्स देखने के लिए मिलेंगे, सारे लोड होते हैं, सारे मार्बल्स कुछ लेके आते हैं कुछ वैसे ऑलमोस्ट यहाँ से लेके ही जाते हैं कि मेनली यहाँ से लोडिंग ही होता है यहाँ पे. आई डोंट थिंक जो आता होगा चाइना वाला इधर भी नहीं आता होगा, वो सीधा जो मंगाता है उधर ही जाता होगा. सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग भुट्टे के यहाँ पे है. तो अगर दो मिनट इंतजार करते हैं भैया आ जाते हैं तो चिकन तो फिर खाते हैं भुट्टा. एक जगह से हमने देखी पर टाइल्स देखी, टाइल्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं. अभी मार्बल आ गई हूँ एक और मार्बल वाली जगह पे. एंड अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है. और भैया इस एरिया का क्या नाम है? ये देखिए यहाँ पे ना मार्बल का जो वो कटिंग वगैरह रहता है वो सारा इधर यही मिलता है. तो मार्बल का जो ये देखिए कितना सुंदर रोड है, पूरा ग्रीन ग्रीन सा है. तो मार्बल के जो छोटे मोटे पार्ट्स बाकी रह जाते हैं, हिस्से रह जाते हैं टुकड़े, तो उनको और चॉपिंग करके मशीनों से क्या कर देते हैं भैया,
छोटा छोटा वो जो अपन लेंगे ना अभी कट्टों में, क्या कहते हैं दाना, हाँ टुकड़ी दाना, तो वैसे कर देते हैं। तो बहुत सुंदर जगह है, आप अगर सही में अगर किशनगढ़ आते हैं तो मार्बल एरिया आपको पक्का विजिट करना चाहिए, बहुत प्यारा है। कटिंग और इनकी पॉलिशिंग होती है, देखिए कितनी सुंदर है इनका पूरा प्रिंट। तो अभी हमने मार्बल जो था वो ले चुके हैं हम, अभी हम लेने आए हैं ग्रेनाइट और यहाँ पे बहुत शोर है बिकॉज ऑफ मशीन, ये देखिए वहाँ पे हो रही है पॉलिशिंग और वहीं पे होती है स्टोन की कटिंग। और ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, तो पूरे बड़े पत्थर हैं यहाँ पे कटिंग, तो ये बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ पे बिल्कुल मेरी वॉइस नहीं आएगी, यहाँ पे देखिए ये हो रही है कटिंग। किशनगढ़ से एंट्री हो चुकी है हमारी अजमेर में और सारा जो मार्बल था हम लोग ले चुके हैं, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी घर जाके, अभी ड्राइव करती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और फाइनली अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, सो रात के 1 बज रहे हैं। आज का दिन काफी हाक्टिक रहा एंड काफी सारी चीजें मैंने आपको नहीं बताई जो मैंने बोला था घर आके आप लोगों को मैं बताऊंगी। सो जैसे ही मैं डेकोरेशन से फ्री हुई तो पहले मैं दादी जी के पास गई क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारा घर में काम था, सुंदरकांड का पार्ट था, तो उन्होंने मुझे पहले बोला था कि गई था तुम्हें आना है, हेल्प वगैरह करानी है सारी चीज़ें पर। लेकिन वहाँ पे मैं गई तो 15 मिनट बाद मैं वहाँ से निकल गई, मैंने देखा एक बार कि चलो घर पे मम्मी से मिल लेती हूँ, चेंज करके मैं वापस से चली जाऊँगी क्योंकि थोड़ा कैसी हालत हो गई थी आप लोगों ने देखा ही था। इस बहाने से मैं आई तो मम्मी की काफ़ी सांस वास फूल गई थी, बीपी उनका काफ़ी ऊपर चला गया था, तो मैं उनको हॉस्पिटल दिखा के आई। फिर हॉस्पिटल गए तो मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि लास्ट टाइम इन्हीं दिनों में मम्मी को डेंगू हो गया था और अभी डेंगू भी काफ़ी चल रहा है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो मम्मी को हालांकि डेंगू नहीं है, रिपोर्ट्स आ चुकी है, सो नेगेटिव आया है एंड इट्स गुड। तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो अब एक सेटिस्फैक्शन होता है तो वो हो गया। सो ऐसे सारी चीज़ें हुई और उसके बाद में बस दिखाया मम्मी को एंड फिर मैं वापस से आई, आके हॉस्पिटल से मुझे 5 बज गए थे। फिर जो काम करने वाले थे वो सब लोग गए तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, ऐसे करके मुझे 6 बज गए दादी जी के पास पहुँचने में। सुंदरकांड का पार्ट जो था वो 7 बजे से स्टार्ट था, फिर उसके बाद में जब वहाँ गई तो दादी जी ने बोला नहीं मम्मी को लेके आओ, मम्मी को लेके आओ। तो मम्मी से बात करी, मैंने कहा मम्मी अगर आप बैठ सकते हो तो चल लो, इतना प्यार से आपको बुला रहे। तो फिर मैं और मम्मी गए और उसके बाद बस मम्मी को मैंने पहले ड्रॉप कर दिया था घर पे, मम्मी ने खिचड़ी का बोला था डॉक्टर ने तो खिचड़ी खिलाई मम्मी को और फिर बस सारी चीज़ें ऐसे 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 हो गई। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा डे रहा मेरा, इतना हैक्टिक रहा, मैंने एक ब्लॉग बनाया वापस से बहुत सारे मोटिवेशन के बाद में। और आप लोग सोचोगे कैसे रहती है ये गनीता, इतना सब कपड़ा वपड़ा दिख रहा है, बिकॉज ये सब मैं ऐसे आती हूँ उस बेड के ऊपर खोलती हूँ निकल जाती हूँ ऐसे चल रहा है पूरा घर, आपको पता है कैसे फैल रहा है, तो क्लीनिंग नहीं है इतनी। सो आप उसको इग्नोर करें, अभी न्यू घर भी आप लोगों को दिखाऊंगी जल्दी से, तब अच्छे से और ज़्यादा क्लीनिंग रखेंगे। तो अभी मैं चेंज करती हूँ, सोती हूँ, इसी के साथ इस ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।